इसमें स्ट्रॉबेरी भी लगा सकते हैं, फूल वाले पौधे लगा सकते हैं आप चाहें तो जो गार्डन में फूल वाले। दोस्तों ये ग्रो बैग है 24x24 इंच, इसमें क्या लगा सकते हैं आप, धनिया, मेथी, पालक, लाल भाजी, हरी भाजी, तो इसका इस्तेमाल आप फ्रूटिंग प्लांट में भी कर सकते हैं साथ में। दोस्तों जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी और ग्रो बैग में सब्जियां लगाना शुरू किया तो मुझे बड़ा कन्फ्यूजन रहता था कि किस साइज के ग्रो बैग में मैं कौन कौन सी सब्जियां लगा सकता हूं, और इस वजह से मैंने कुछ ऐसी सब्जियां छोटे ग्रो बैग में लगा दी जो उन ग्रो बैग में अच्छे से ग्रो नहीं होती और फिर मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। धीरे धीरे चल के मैंने जाना कि सही ग्रो बैग लेना कितना ज़रूरी है अगर आपको अपने होम गार्डन से अच्छा रिजल्ट लेना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, हर एक सब्जी के लिए पर्टिकुलर एक ग्रो बैग का साइज निर्धारित किया और उसी साइज में फिर उस सब्जी के पौधे को लगाया जिससे मुझे बाद में ढेर सारी हार्वेस्टिंग मिली। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अलग अलग साइज के ग्रो बैग में आप कौन कौन सी सब्जी लगाने वाले हैं। जैसे कि मेरे हाथ में ये 12x12 इंच का ग्रो बैग है तो आप इस ग्रो बैग में क्या क्या लगा पाएंगे ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मेरे हाथ में जो ये ग्रो बैग है ये HDPE ग्रो बैग है जो कि 260 GSM से बने हुए हैं और काफ़ी मजबूत हैं। मैं 3 से 4 साल से इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने होम गार्डन में और लगभग अब मैंने पूरे गार्डन में ग्रो बैग में ही जो है पौधे लगा रखे हैं और अलग अलग साइज के ग्रो बैग मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं और उनके में पौधे लगाए हैं। तो अलग अलग साइज के पौधों के ग्रो बैग में कौन से पौधे लगेंगे इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये 12x12 इंच का ग्रो बैग है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये बैगन, ये ब्रोकली और ये टमाटर, ये तीनों चीज़ें इसी ग्रो बैग में लगी हुई हैं। तो ये ग्रो बैग बहुत अच्छा है सब्जियों वाले ऐसे पौधे उगाने के लिए जिनकी हाइट थोड़ी कम होती है, जैसे कि टमाटर, मिर्च, बैगन, गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इसमें आप गाजर, आलू, मूली, इस तरह की चीज़ों को भी उगा सकते हैं। तो ये सारे जो पौधे हैं वो 12x12 इंच के ग्रो बैग में उग जाएंगे। इसमें केवल कौन से पौधे नहीं उगते, तो जो बेल वाली सब्जियां होती हैं जैसे लौकी, गिलकी, करेला, इस तरह के पौधे आपको इसमें नहीं लगाने हैं। पहले मैंने इसमें भी लौकी लगाई लेकिन क्या हुआ, लौकी स्टार्टिंग में तो बढ़ेगी, 4 से 5 फीट की बेल भी होगी, 1-2 लौकी उसमें लग भी जाएंगी, उसके बाद पूरा लौकी का पौधा ख़राब हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर इतना स्पेस नहीं है कि वो लौकी की बेल को जो है बड़ा और ज़्यादा मतलब फैलने में मदद कर सके। लेकिन जो छोटे पौधे हैं जैसे आप ये टमाटर देख रहे हैं तो मैंने एक ग्रो बैग में ही ढेर सारे टमाटर भी तोड़े हुए हैं। एक आप ये गोभी का पौधा लगा सकते हैं, एक आप बैगन लगा सकते हैं और इस ग्रो बैग में एक से ज़्यादा पौधा ना लगाएं। अगर आप टमाटर, बैगन, मिर्च लगा रहे हैं तो इसमें एक ही पौधा लगाएँ। मूली आप 4 से 6 लगा सकते हैं, गाजर आप 4 से 6 लगा सकते हैं और इसी तरह से जो दूसरे चीज़ें हैं वो आप लगा सकते हैं, लेकिन जो मेन हमारे पौधे हैं उन्हें एक ही लगाना है। तो ये 12x12 इंच का ग्रो बैग है और ये ग्रो बैग आपको मिलेगा वेबसाइट organicbazaar.net में जहाँ से आप ले सकते हैं। इसके बाद मैं बताऊँ आपको तो दूसरा जो हमारा साइज है वह है ये, देखिए ये है 9x9 इंच का ग्रो बैग। अब ये ग्रो बैग 12x12 इंच से छोटा है तो इसमें और छोटे पौधे लगाए जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने इसमें ये स्ट्रॉबेरी का पौधा लगाया है तो आप इसमें स्ट्रॉबेरी भी लगा सकते हैं, फूल वाले पौधे लगा सकते हैं, आप चाहें तो जो गार्डन में फूल वाले पौधे होते हैं उन्हें लगा सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से इसमें ग्रो होते हैं। लेकिन सब्जियों वाले पौधे इसमें ना लगाएं क्योंकि उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है 9x9 में। आप 12x12 इंच से शुरू करेंगे सब्जियों वाले पौधे लगाना तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब चलिए और दूसरे साइज की ओर चलते हैं और जानते हैं उनमें क्या आप लगा सकते हैं। दोस्तों देखिए एक साइज़ ये है ग्रो बैग की, इसमें क्या है 15 इंच इसकी चौड़ाई है और 12 इंच इसकी ऊंचाई है, मतलब 15x12 का ये ग्रो बैग है। अब इसमें हमने ये जुकनी का पौधा लगा रखा है, आप चाहें तो जुकनी का एक पौधा लगा दें, मिर्च, टमाटर, बैगन, इनके आप इसमें 2 पौधे भी लगा सकते हैं क्योंकि चौड़ाई इसकी बढ़ जाती है और अगर आप एक भी पौधा लगाएंगे तो उसकी रूट जो है काफ़ी अच्छे से फैलेंगी। इसके अलावा इसमें मूली बहुत अच्छे से आप लगा सकते हैं, गाजर बहुत अच्छे से इसमें हो जाती हैं क्योंकि इसमें हमें 15 इंच चौड़ाई मिल रही है।
तो इस तरह की जो हैं सब्जियां आप इसमें लगा सकते हैं, गोभी के दो पौधे, फूल गोभी के दो पौधे, ब्रोकली के दो पौधे आप इसमें लगा सकते हैं। और ये मिलेगा आपको 15x12 इंच के नाम से, तो आप वहाँ पर ख़रीद सकते हैं। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे, देख लेते हैं थोड़े से क्या हमारे ग्रो बैग हैं उसकी साइज के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हमारा है ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये ग्रो बैग है 12x15 इंच का, मतलब 12 इंच इसकी गोलाई है और 15 इंच इसकी ऊंचाई है। अब इसमें मैंने क्या लगा रखे हैं, चेरी टमाटर, देखिए यहाँ पे ये चेरी टमाटर लग रहे हैं, ये सारे चेरी टमाटर आए हुए हैं। अब ये लंबाई में ज़्यादा हो जाता है ये ग्रो बैग, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि रूट को जो जिसकी रूट ज़्यादा गहराई तक जाती हैं डीप, वह पौधे आप इस ग्रो बैग में लगा सकते हैं। जैसे चेरी टमाटर है, नॉर्मल टमाटर, उनको भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, बैगन को लगा सकते हैं, बैगन भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है और बैगन लंबे समय तक चलता है, तो आप उसे भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये एक साइज आपको ये मिलेगी। अब चलते हैं दूसरी साइज की तरफ। इसके बाद जो हमारी अगली साइज है दोस्तों, वह है 18x18। ये बहुत अच्छा है होम गार्डन में गार्डनिंग करने के लिए, क्योंकि इसमें आप फल वाले पौधों को लगाना शुरू कर सकते हैं, साथ में आप इसमें बेल वाली सब्जियों को भी लगाना शुरू कर सकते हैं। कौन सी, जैसे एक लौकी का पौधा आप लगा सकते हैं, 2 से 3 गिलकी के पौधे, 2 से 3 करेले के पौधे यहाँ पे लग जाएंगे। लौकी का एक ही पौधा लगाइए क्योंकि उसकी बेल बड़ी होती है। इसके अलावा अगर आप फल वाले पौधे लगाना चाहें तो जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा नींबू का पौधा लगा है, देखिए इसमें कितने अच्छे नींबू आ रहे हैं। एक आप फ्रूटिंग प्लांट लगा सकते हैं, नींबू, अनार, जामुन, अमरूद, इस तरह के एक पौधे को आप लगा सकते हैं। तो 18x18 इंच में मैंने इसी तरह के पौधे लगाए हैं, आप देख सकते हैं। इस तरफ भी हमने एक अमरूद का पौधा लगाया है, ये देखिए यहाँ पर, ये भी 18x18 इंच का ग्रो बैग है और इसमें ये अमरूद का पौधा लगा है, इसमें देखिए कितने अच्छे अमरूद आ रहे हैं। तो एक साइज ये मिल जाती है। इसके बाद हमारी एक और साइज है, ये है 18x24 इंच। ये और अच्छी साइज है क्योंकि इसकी हाइट जो है 24 इंच मतलब 2 फिट की मिल जाती है हमें। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है, देखिए हमने ये पहले अनार का पौधा एक पॉट में लगा रखा था, फिर हमने इसको ट्रांसफ़र किया इस ग्रो बैग में। अब ये अनार की जो जड़ें हैं वो नीचे तक जा सकती हैं, तो इससे क्या है, इसमें काफ़ी अच्छी अब फ्रूटिंग होगी और काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। इसकी मैंने अभी प्रूनिंग कर रखी है, तो ये भी साइज बहुत अच्छा है। इसकी चौड़ाई तो 18 इंच है गोलाई मतलब ये, लेकिन ऊँचाई इसकी हो जाएगी 24 इंच। फ्रूटिंग प्लांट भी लगा सकते हैं, साथ में आप इसमें जो है सारी बेल वाली सब्जियां, जो जितनी भी बेल वाली सब्जियां होती हैं वो आप सभी लगा सकते हैं, इसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। चलिए अब चलते हैं आगे दूसरी साइज की ओर। दोस्तों ये ग्रो बैग है 24x24 इंच। 24x24 इंच मतलब 24 इंच इसकी है ऊँचाई और 24 इंच इसकी है गोलाई, 2 फिट x 2 फिट आप इसे बोल सकते हैं। बहुत अच्छा ग्रो बैग है अगर आप अपने गार्डन में बेल वाली सब्जियां लगाना चाहते हैं, बड़े फल वाले पौधे जैसे कि केला, पपीता, इस तरह के पौधे लगाना चाहते हैं, तो फिर आपको ये ग्रो बैग इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं बेल वाले पौधों की बात करूं तो इसमें आप 3 से 4 लौकी के, 4 से 5 करेले के और इतने ही गिलकी के, तोरई के, ढेर सारी जितनी बेल वाली सब्जियां, कद्दू भी आप इसमें लगा सकते हैं, 2 पौधे के आप कद्दू की बेल आप इसमें लगा सकते हैं, सभी बेल वाले पौधे हो जाते हैं। और मैंने देखिए लाइन से इन्हें रखा हुआ है और इनमें मैंने लगाए हुए हैं करेले, जो आप देख सकते हैं ये देखिए कितने घने यहाँ पर करेले के पौधे हो गए हैं और अब इनमें आने लगे हैं फूल और करेले भी लगेंगे। तो इस तरह से आप इस 24x24 इंच ग्रो बैग का इस्तेमाल अपने होम गार्डन में बेल वाली सब्जियों को लगाने के लिए कीजिए। इसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसे आप ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट्स करके, और अगर आपने इस्तेमाल किए हैं तो ज़रूर बताइए। बस इन ग्रो बैग में आपको ध्यान क्या रखना है, मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, तो पहले आप ये देख लीजिए कि आप इतनी मिट्टी अरेंज कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर मिट्टी अरेंज कर पा रहे हैं तभी 24x24 इंच का ग्रो बैग लें, वरना फिर 18x18 इंच या 18x24 इंच का ग्रो बैग आपको लेना है। बाकी इसमें जब आप पौधे लगाएंगे तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम छोटे ग्रो बैग में बेल वाले पौधे लगा देते हैं तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, फिर हम खाद देते हैं, फिर हम दूसरी चीज़ें करते हैं और बार बार सोचते हैं कि पौधे में ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। उसके पीछे का सबसे मेन रीज़न होता है उसका पॉट साइज मतलब ग्रो बैग का साइज। अगर आप उसे बड़ा लेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, जैसे कि ज़मीन में हमारे पौधे की ग्रोथ होती है।
तो ये 24x24 इंच का ग्रो बैग आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरी साइज की ओर और समझते हैं उसमें आप क्या लगा सकते हैं। अब दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा 15x15 इंच का ग्रो बैग। अब इस ग्रो बैग की खासियत क्या है, ये बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। इसमें आप सभी तरह की सब्जियां लगा सकते हैं, बेल वाली सब्जियों को छोड़कर, जैसे कि बैंगन, टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, गोभी, आलू, मूली, ये सब आप लगा सकते हैं। साथ में आप इसमें छोटे फ्रूटिंग प्लांट भी लगा सकते हैं, जैसे पहले साल आप लेकर आए हैं तो उन्हें लगाना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हर्ब में हमने ये गिलोय का पौधा लगा रखा है, आप इस तरह के पौधे भी लगा सकते हैं। गिलोय का लगा सकते हैं, ककोरे का जो पौधा होता है वो भी हमने इसमें लगाया है, उसको आप लगा सकते हैं। लौकी गोभी के दो दो पौधे आप इसमें लगा सकते हैं। साइज कितनी है, 15 इंच इसकी ऊंचाई है, 15 इंच इसकी चौड़ाई है। इसके अलावा आप इसमें जैसे जो पौधे 2 साल 3 साल चलते हैं, जैसे बैंगन का पौधा, मिर्च का पौधा, इनको आप यहाँ लगा सकते हैं, तो उनकी रूट को फैलने के लिए काफ़ी जगह मिल जाती है। और मैंने बैंगन के पौधा भी लगा रखा है इस साइज के ग्रो बैग में, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और ये गिलोय का पौधा आप देख ही रहे हैं, इसे लगा रखा है तो ये भी काफ़ी अच्छे से अब बढ़ रहा है। तो 15x15 इंच का ग्रो बैग अच्छा है अगर आप अपने होम गार्डन में कुछ ऐसे पौधे लगाना चाहते हैं जो कि सभी तरह से अच्छे से ग्रो करें, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि 15x15 इंच का ग्रो बैग अगर आप लेते हैं तो आप अपने गार्डन में लगभग सभी तरह के पौधों को लगा पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा कि इसमें क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं, केवल बेल वाली सब्जियों को छोड़ दीजिए, बाकी सब आप पौधे इसमें लगा सकते हैं। दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये आम का पेड़ लगा हुआ है हमारे ग्रो बैग में, जिसकी साइज है 21x21 इंच। अब देखिए ये जो 21x21 इंच की साइज है ये 24x24 इंच से छोटी होती है और फ्रूटिंग प्लांट के लिए बहुत अच्छी है अगर आपके पास मिट्टी थोड़ी सी कम है। अगर मिट्टी कम है तो जैसे हमने देखिए आम का पौधा इसमें लगा रखा है, आप आम, केला, पपीता, इस तरह के पौधे, बड़े बड़े जो फ्रूटिंग प्लांट हैं, अमरूद, इनको आप इसमें लगा सकते हैं। लंबाई इसकी 24 इंच होती है, लंबाई इसकी 21 इंच है, चौड़ाई भी इसकी 21 इंच है, दोनों ही बराबर हैं। तो ये एक मीडियम साइज़ का ग्रो बैग निकाला गया है जो 18x18 इंच से बड़ा है और 24x24 इंच से छोटा है। तो इसका इस्तेमाल आप फ्रूटिंग प्लांट में भी कर सकते हैं, साथ में जो बेल वाली सब्जियां होती हैं उन्हें भी आप इसमें लगा सकते हैं। सभी बेल वाली सब्जियां, कद्दू, लौकी, गिलकी, करेला, सब इसमें आप लगा सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल भी होम गार्डनिंग में किया जा सकता है और बहुत अच्छा ग्रो बैग है। अगर आपको एक मीडियम रेंज का ग्रो बैग चाहिए तो आप इसको खरीद सकते हैं। अब देखिए हमने 12x12, 15x15, 18x18 इस तरह के ग्रो बैग के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं ऐसे ग्रो बैग जिनका इस्तेमाल आप लीफी वेजिटेबल के लिए कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ग्रो बैग हैं। अब ये ग्रो बैग कैसे होते हैं, इनकी ऊंचाई कम होती है और चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो इसकी ऊंचाई है 6 इंच और चौड़ाई है 18 इंच, तो ये आपको मिलेगा 18x6 इंच के नाम से। अब इसमें क्या लगा सकते हैं आप, धनिया, मेथी, पालक, लाल भाजी, हरी भाजी, इस तरह से सलगम आप लगा सकते हैं, लाल छोटी वाली गोल मूली आप लगा सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद जो अगली साइज मिलेगी आपको वह मिलेगी जो 24x6। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, तो ये जो आप देख रहे हैं 24x6 है, वहाँ पर ही आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो धनिया लगी आप देख रहे हैं, देखिए ये जो ग्रो बैग है ये 24x6 इंच का ग्रो बैग है, 24 मतलब 2 फिट इसकी गोलाई है और 6 इंच इसकी ऊंचाई है। अब इसमें क्या है, बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है, ढेर सारे हम धनिया के पौधे लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, सब चीज़ आप इसमें लगा सकते हैं, जितनी भी हमारी पत्तेदार सब्जियां हैं। इसके बाद हमारी अगली साइज होती है, ये देखिए ये है 24x9 इंच। अब 24x9 इंच में 3 इंच ग्रो बैग बढ़ जाता है, तो जो ज़्यादा बड़ी रूट होती हैं, जैसे हमने पालक लगा दी है वहाँ पर, गाजर आप वहाँ पर लगा सकते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। इस तरफ आप देखेंगे तो हमने ये पाक चोय लगा रखी है यहाँ पर, तो पाक चोय भी यहाँ से अच्छे से ग्रो होगी इसमें, क्योंकि 9 इंच काफ़ी सफिशियंट स्पेस है। इसके बाद हमारा अगला साइज आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 24x12 इंच और 24x15 इंच। जैसे कि आप ये देख रहे हैं तो ये हमारा ग्रो बैग है 24x12 इंच। तो देखिए अब ये ग्रो बैग में क्या है, 12 इंच इसकी ऊँचाई है, इसमें हमने लगा रखा है मूली को, देखिए ये मूली बन रही है यहाँ पे। अब 2 फिट इसकी गोलाई है और 1 फिट इसकी ऊंचाई है, तो इसमें आप ढेर सारी मूली लगा सकते हैं, गाजर लगा सकते हैं और भिंडी आप लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे देखिए इसमें भिंडी लगा रखी है,
ये भी हमारा 24x12 इंच का ग्रो बैग है। इसके अलावा ये 24x15 इंच का भी आता है, जिससे आप थोड़ा और इसको हाइट इसकी बढ़ा सकते हैं और इसमें इस तरह की चीज़ें। अब जैसे मैं बात करूँ भिंडी की, तो भिंडी के मैंने यहाँ पर 6 पौधे लगा रखे हैं। अगर मैं बात करूँ टमाटर की, तो टमाटर के आप इसमें 4 पौधे लगा सकते हैं, बैंगन के 4 पौधे लग जाएंगे, मिर्च के 4 पौधे लग जाएंगे, और फ्रेंच बीन्स के आप 4 से 6 पौधे लगा सकते हैं। इस तरह के गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी के 5-5 पौधे आप लगा दीजिए। बहुत अच्छा ग्रो बैग है। अगर आपको अलग अलग इस तरह से छोटे ग्रो बैग नहीं खरीदने, तो आप 24x12 इंच के या 24x15 इंच के ग्रो बैग खरीद लीजिए। उनमें आप मिक्स पौधों को लगा सकते हैं, एक एक बैच बना सकते हैं। जैसे कि 6 पौधे हमने भिंडी लगा दिए, 4 पौधे हमने टमाटर के लगा दिए, 4 अलग हमने लगा दिए बैंगन के, 4 मिर्च के, तो आपको उससे अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। और आप उनको बैच बना के लगाएंगे तो रेगुलर भी आपको हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। तो ये सारे जो ग्रो बैग हैं, ये वाले, ये सारे आपके लीफी वेजिटेबल के हिसाब के ग्रो बैग हैं। बाकी इनमें आप रूट वेजिटेबल को भी लगा सकते हैं, मूली, शलजम, इसके बाद आप गाजर लगा सकते हैं, चुकंदर भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, तो इन सबको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये ग्रो बैग के कुछ बेसिक साइज थे जो मैंने आपको आज बताए हैं। इनके अलावा भी थोड़े से ग्रो बैग आपको ऊपर नीचे मिल जाएंगे, थोड़ी सी साइज कम ज़्यादा भी मिल जाएगी, तो उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आता है। आप अपनी ज़रूरत को समझिए, आपको कौन से पौधे लगाने हैं, उसके हिसाब से ग्रो बैग लीजिए। और एक ग्रो बैग, कुछ ऐसे ग्रो बैग हैं जो कि आप कह सकते हैं कि मल्टीपर्पज़ हैं, जैसे 15x15 इंच, 24x12 इंच, इनमें आप ढेर सारे अलग अलग तरह के पौधे लगा सकते हैं। तो कॉमन जैसे बैग होते हैं, आप उन्हें सिलेक्ट कीजिए, ताकि आप एक सीज़न में कुछ और फसल लगाएं या कुछ और पौधे लगाएं, अगले में सीज़न में आपको कुछ और पौधा लगाना है, तो वो एक ग्रो बैग आपको सभी पौधों में काम आ जाए। तो इस तरह के आप ग्रो बैग ले सकते हैं। मैं कुछ आपको बता दे रहा हूँ फिर से, 12x12 इंच, 15x15 इंच, 18x18 इंच, 21x21 इंच, 24x24 इंच, ये कॉमन है। इसके अलावा लीफी वेजिटेबल के लिए 24x9 इंच और 24x12 इंच, इन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन टाइप के ग्रो बैग हैं और काफ़ी आसानी से गार्डन के पौधे इसमें लगाए जा सकते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये हमें देते हैं। तो ये आज का जो ग्रो बैग का, डिफरेंट टाइप के ग्रो बैग में आप क्या लगा सकते हैं, उसका जो ये वीडियो था, वो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर कोई ऐसी सब्जी वाली पौधा है या कोई भी पौधा है जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, आप पूछना चाहते हैं कि उसे किस साइज़ के ग्रो बैग में लगाया जाता है, तो कमेंट सेक्शन में नीचे आप कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि उस पौधे को आपको किस साइज के ग्रो बैग में लगाना है। ये सारे ग्रो बैग आपको मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। और इन ये ग्रो बैग पैकऑफ के ऑप्शन में भी अवेलेबल हैं, पैकऑफ 2, पैकऑफ 4, पैकऑफ 10, पैकऑफ 20, तो आप जितना बड़ा पैकऑफ लेंगे उतने कम रेट में ये आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी डिस्काउंट आपको मिलेंगे, वो डिस्काउंट तब मिलते हैं जब आपकी ऑर्डर वैल्यू एक लिमिटेड अमाउंट के बराबर हो जाती है। जैसे 1500 के ऊपर की शॉपिंग जब आप करने लगेंगे, तो वहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। तो अभी विजिट करें और अपने पसंद के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से इन ग्रो बैगों को खरीदें और फिर मेरे साथ ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाएँ और उनका खाने में इस्तेमाल करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।